हेलो फ्रेंड्स, मैं मेहुल जैन। आज मैं आपसे 10 इंपॉर्टेंट जेके क्वेश्चन पूछूंगा और उनके जवाब भी बताऊंगा। और ये हर क्वेश्चन एक एक मार्क्स का रहेगा। आपको इनका उत्तर कमेंट करके बताना होगा। और ये हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? ए एक बार, बी दो बार, सी चार बार, डी कई बार। सही जवाब है डी कई बार। तो अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? ए 18 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। सही जवाब है बी 25 वर्ष। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा देश इंग्लैंड का कभी भी गुलाम नहीं हुआ? ए अमेरिका, बी पाकिस्तान, सी चीन, डी भारत। सही जवाब है सी चीन। चौथा क्वेश्चन है, बेटन कप किस खेल से संबंधित है? ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी टेनिस, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए हॉकी। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहूँगा कि इन 10 क्वेश्चन में से आपको एटलीस्ट 5 to 7 आंसर सही देने हैं। अगर आपने 5 से कम आंसर सही दिए तो मतलब आपको मेहनत की ज़रूरत है। पांचवा क्वेश्चन अब देख लेते हैं। भारतीय महिला दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? ए इंदिरा गांधी, बी महादेवी वर्मा, सी सरोजनी नायडू, डी मदर टेरेसा। सही जवाब है सी सरोजनी नायडू। छठा क्वेश्चन है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? ए रेटिना, बी कॉर्निया, सी लेंस, डी पूरी आँख। सही जवाब है बी कॉर्निया। सातवां क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए जॉन्डिस, बी हीमोफीलिया, सी स्कर्वी, डी एनीमिया। सही जवाब है डी एनीमिया। आठवां क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाई जाती है? ए 10 मार्च, बी 14 मार्च, सी 22 मार्च, डी 24 मार्च। सही जवाब है 22 मार्च। नाइन्थ क्वेश्चन है, ऊंचाई नापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल होता है? ए अल्टीमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी बैरोमीटर, डी प्लैनीमीटर। सही जवाब है ए अल्टीमीटर। दसवां क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा दूध किस राज्य में उत्पादित होता है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। सही जवाब है डी उत्तर प्रदेश। तो अब इन 10 सवालों में से आपने जितने भी सही उत्तर दिए हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। और वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।